खरगोन जिला अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को अब सीटी स्कैन के लिए निजी सेंटरों पर भारी रकम खर्च नहीं करनी पड़ेगी। जिला अस्पताल में मशीन इंस्टॉलेशन का कार्य शुरू कर दिया गया है। संभवतः शनिवार से अस्पताल में उपचारत मरीजों को इस सुविधा का लाभ मिल सकेगा। सिविल सर्जन डॉक्टर दिव्येश वर्मा ने बताया कि पीपीपी मोड से प्राप्त यह मशीन मरीजों के स्वास्थ्य जांच में काफी कारगर साबित होगी। इंस्टॉलेशन के बाद जल्द ही मशीन का शुभारंभ किया जाएगा। वहीं प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप से प्राप्त होने के कारण जांच के लिए 700 से 1000 रुपए का चार्ज किया जाएगा। मशीन टेक्नीशियन सतीश चोले ने बताया कि अन्य सिटी स्कैन मशीनों की तुलना में जिला अस्पताल को प्राप्त सिटी स्कैन मशीन ज्यादा आधुनिक है, कम रेडिएशन में ज्यादा जांच करने की क्षमता रखती है। यह मशीन लगभग 30% कम रेडिएशन उपभोग करेगी। इसके अलावा कम समय में ज्यादा जांच हो। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। खरगोन जिले की सबसे एडवांस मशीन है, इसमें 32 स्लाइस वाली है और इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं 64 तक, है ना? क्या सर इसमें चार्ज वगैरह भी लग गया मरीजों को? हाँ, इसका चार्ज गवर्नमेंट के साथ में जो कांटेक्ट हुआ है वो मेरे ख्याल से 700-1000 के बीच में है, है ना? तो ये चार्ज रहेगा और इसके लिए मैंडेटरी है कि पेशेंट को अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा, तो प्राइवेट वाले यहाँ आकर नहीं करा सकते। ये 32 स्लाइस मशीन है फिलिप्स ब्रांड की और इसमें मोर देन 200 केसेस पर डे वी कैन कर सकते हैं और साथ ही साथ किसी प्रकार के भी केसेस कर सकते हैं, एनजीओस भी हो सकते हैं इसमें। सो दिस इज़ वन ऑफ द प्राइम मॉडलिटी, एक अच्छी क्या कह सकते हैं अपन की हर प्रकार के केसेस को करने के लिए सक्षम। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम अजय सिंह परिहार। किस पद पे हो? मैं फिलिप्स इंजीनियर हूँ, मध्य प्रदेश भोपाल बैठता हूँ। ये सिटी स्कैन का बहुत दिनों से हमें भी इंतजार था। जो कोविड की सेकंड लहर आई थी उसी दौरान इसका काम चालू हो गया था, यानी कि लहर खत्म होने के जस्ट बाद से काम चालू हो गया और आज हमारे पास मशीन पूरी तरह से कंप्लीट लग गई है और उसका टेस्टिंग हो गया है और ये थीटा जो कंपनी है उसका उसने ये मशीन पीपीपी मोड पर गवर्नमेंट से कांटेक्ट करके इस जिले में को दी है। तो ये मशीन बड़ी एडवांस है और ये इस पर जो चार्ज लिया जाएगा वो सीधा कंपनी को जाएगा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। और जो कंपनी का चार्ज जो है 700 से 1000 के बीच में ऐसा सुनने में आया है, जो गवर्नमेंट के साथ में कांटेक्ट हुआ है और ये अच्छी बड़ी सुविधा होगी। और इसमें एक चीज़ जो उसमें करी है कि जो भी सीटी कराएगा उसको अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा और यदि कोई इमरजेंसी केस है जैसे कि रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है, उसको हेड इंजरी हुई है, तो उसके लिए भर्ती की जो पात्रता है वो बाध्य नहीं है, वो उसको तो हमें इमरजेंसी में करना ही पड़ेगा। कौन कौन सी बीमारियों का इलाज होगा सर इसमें? जो इलाज के लिए इसका जो उपयोग होता है जैसे किसी को ब्रेन इंजरी हुई है ना, अब उसको हमें देख के कह सकते हैं कि इसके अंदरूनी भाग में कितनी ब्लीडिंग हुई है, कितना वो लगा है, तो उसको फिर तुरंत हमें न्यूरो सर्जन के पास रिफर करना पड़ेगा। यदि किसी को अचानक लकवा लग गया, लकवा लगने का मतलब कि ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई कम हो जाती है या बंद हो जाती है, तो उसको भी यहाँ तो इलाज नहीं है, उसको भी हम इंदौर रिफर करना पड़ता है। किसी को पेट में गठान है, यदि उसका सीटी करके पता कर ले कि किस जगह पे है, तो उसका हम यहाँ पे यदि ऑपरेशन करने लायक हो तो यहाँ कर सकते हैं और नहीं तो इंदौर भेज सकते हैं। तो ये जो एक डायग्नोस्टिक टूल है जिससे हम एक डिसीजन पे पहुँच जाए कि किसको कहाँ पर इलाज करना है और कितना जल्दी इसका इलाज हो तो वो मरीज ठीक हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।